नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीसीसीएल एरिया नंबर 6 अंतर्गत लाहबेड़ा मांझी बस्ती पहुंचे बीसीसीएल के अधिकारी और कोलियरी कर्मचारी यूनियन के नेता। आप देखें, केसीएन टीवी चैनल से अधिकारी और नेताओं ने क्या कहा। हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी बात की। आज सर कुछ 26 जनवरी की शुभकामना पर जो ग्रामीण के बीच आए जॉब से दू लाइन। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि बीसीसीएल प्रबंधन जहाँ भी काम करेगा, कुसुना क्षेत्र जहाँ भी काम करेगा, आसपास के लोगों का विकास हो, आसपास के लोगों का भी कल्याण हो हमारे काम के साथ साथ, इसके लिए भी हम जो है कुछ उपाय करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आसपास के लोग भी हमारे ऑपरेशन से फ़ायदा उठा सकें। क्या दरी का बंदोबस्त करें हर जगह में। साहब तो बोले कि हम लोग फुल फिल करेंगे, बहुत ही अच्छा विचार है साहब को। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ओर से एरिया 6 के महापवंतों को कोटि कोटि धन्यवाद, जोहार। आज गणतंत्र दिवस के 73वां गणतंत्र दिवस के लाबेड़ा मांझी बस्ती ग्रामीण के कौन जगह आई है लाबेड़ा ग्रामीण लाबेड़ा मांझी बस्ती। आज यहाँ 73वां गणतंत्र दिवस लेकर हमारे एरिया 6 के जीएम बीके गोयल साहब और हमारे धनसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के परियोजना पदाधिकारी जेके मेहता साहब, हमारे केंद्रीय झारखंड जेसीएमयू झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता और जेसीएमयू के केंद्रीय सचिव सपन बनर्जी, अब अपना नाम पता ही पूरा, यहाँ आए और यहाँ ग्रामीणों को आश्वासन दिया। यहाँ सिलाई केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी चल रहा है, जीएम साहब ने मतलब आश्वासन दिए कि हम यहाँ स्वास्थ्य केंद्र को चालू करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बशीर अंसारी, जेसीएमयू धनसार शाखा अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।